भरत माता की जय, जय श्री राम। कैसे हो मेरे हिंदू भाइयों? सब लोग ठीक होंगे मैं ऐसा समझता हूं। और आज मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने गौ रक्षा का मुद्दा लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हमने क्लियर शब्दों में यह कहा है कि इस बार बकरी ईद के अवसर पर, देखिए हमें किसी की ईद को खराब करना हमारा कोई लक्ष्य और उद्देश्य नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है भले ही कोई ईद आ जाती है तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो राजनीति षड्यंत्र रचते हैं, जैसे ओल्ड सिटी के हमारे दो कुत्ते हो सकते हैं, और ये लोग ये कहते हैं कि अगर बीजेपी आएगी तो हमें गाय का मांस खाने नहीं मिलेगा, ऐसे भी ये लोग कॉमेंट करे स्वयं। और आज वही गौरक्षा को ले लेकर, जैसे 22 तारीख को बकरी ईद है, बकरी ईद के संदर्भ में मैंने कई मेरे भाई बंधुओं को, मेरे मित्रों को, मेरे विधानसभा में कई लोगों कहा है कि इस बार हमें मरना है लेकिन हमारी गाय को बचाना है। सो बहुत सारे कार्यकर्ता गौरक्षा के लिए तैयार भी हो चुके हैं और आने वाली 22 तारीख तक सुबह और शाम तेलंगाना की आने वाली सभी हाईवेज पर हम लोग काम करेंगे और हम खुद गौ रक्षा करेंगे, चाहे मारेंगे या मरेंगे, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन गाय को हम मरने नहीं देंगे, ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन आज कुछ मीडिया के मित्रों ने कहा है कि बीजेपी वाले सिर्फ दंगा या फसाद करना चाहते हैं क्या, तो मैंने उन मीडिया के मित्रों को मैंने ये जवाब दिया कि हमारे लिए पहले धर्म, हमारे लिए पहले हमारी गाय, बाद में हमारे लिए राजनीति। और मेरे मित्रों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैंने 4 दिन पहले ही तेलंगाना राज्य के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मण जी, उनको हमने भारतीय जनता पार्टी की जो मेरी मेंबरशिप है उसको मैंने रिजाइन कर चुका है कि मैं, लक्ष्मण जी, मैं पार्टी को रिजाइन कर रहा हूं, क्योंकि मेरे ओर से यानी मेरी तरफ से ना मोदी जी को प्रॉब्लम होना है, ना स्टेट में हमारी जो पार्टी है ना उसको भी प्रॉब्लम होना है, क्योंकि हम कुछ भी कहते हैं तो नेशनल मीडिया में एक बवाल सा मच रहा है और कई लोग ऐसे सवाल जवाब करते हैं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उनको समाधान देने में बहुत सी दिक्कत हो रही है। तो इस सभी चीजों को देखते हुए पहला काम मैंने किया है, भारतीय जनता पार्टी को मैंने रिजाइन दिया है। दूसरा काम आज मैंने बिगुल फूका है और कल से गौ रक्षा के लिए मेरी पूरी टीम कार्य पर उतर जाएंगी। साथ ही साथ मेरा ये जो लाइव है तेलंगाना के हमारे जो मुख्यमंत्री की जो इंटेलिजेंस की जो टीम है, साथ ही साथ जो हमारे कमिश्नर डीजीपी उनकी भी जो टीम है, ये मेरा लाइफ वो लोग भी देखते हैं। और जितने भी जो इंटेलिजेंट यानी आईबी जितने भी भाई बंधु देख रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, तेलंगाना में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ दंगा फसाद हम नहीं चाहते। और अगर दंगा फसाद गड़बड़ कुछ भी नहीं होना है तो कृपया करके जो तेलंगाना राज्य का जो एक्ट है 1977 उसके तहत आप खुद गौ रक्षा करें और अच्छे हेल्दी बैल, अच्छे छोटे छोटे बैलों के बच्चे जो काटने का जो अभी प्लान है उसको आप बचाइए। अगर आप बचाते हैं तो हम रोड पर नहीं उतरते। पहले चेकपोस्ट लगाए जाते थे पूरे तेलंगाना के सराउंडिंग में, आज देखिए आज 12 तारीख है और 22 तारीख को बकरी थे, एक भी चेकपोस्ट लगाया नहीं गया। इसका रीजन हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि इस बार बकरी ईद में ज्यादा से ज्यादा गाय, ज्यादा से ज्यादा बैल कटे। मुख्यमंत्री जी, आप सोच रहे होंगे कि हिंदू नहीं है तेलंगाना में, आज भी कई ऐसे गौभक्त तेलंगाना में जिंदा है जो अपनी पदवी को लात मार सकते हैं गौ रक्षा के लिए, कुछ भी कर सकते हैं गौ रक्षा के लिए और हम एक इतिहास रचेंगे। और मेरे मीडिया के मित्रों, आप लोग भी मेरा लाइव देखते हो, मैं जो काम करूंगा कृपया करके भारतीय जनता पार्टी को लिंक मत कीजिए, ये व्यक्तिगत काम है मेरा। और ऐसे कई फेक गौरक्षकों द्वारा आज जो सच्चे गौरक्षक है उनका नाम खराब है, जो फेक गौरक्षक जो कांग्रेसों का षड्यंत्र था उनके कारण जो सच्चे गौरक्षक है आज उनका नाम खराब हुआ है, हम वो नाम अच्छा करेंगे। हमारे तेलंगाना में मैं एक विधायक होते हुए
मैं खुद गौ रक्षा के लिए रोड पे उतरूंगा और मैं गाय की रक्षा करूंगा, और कोई भी कसाई किस प्रकार से कैसी तैयारी में आ सकता है, आइए मैं तैयार हूं। किस चीज से लड़ना चाहते हो बोलो, मैं लड़ने को लिए तैयार हूं क्योंकि मैं अब आजाद हूं, मैं किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं हूं, मैं आजाद हूं और गौ रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। प्रार्थना है फिर भी एक बार, लास्ट 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 प्रार्थना है उन कसाईयों से जो गाय बैल बछड़ों को काटने का जो सोच रहे, उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि बकरी दे, अच्छा कर लो आप जो भी, यानी जो प्रथा चलती है ये बकरी काटकर आप लोग जो ईद मनाते हो वो उस प्रकार से आप ईद मना लो। आज देखिए ओल्ड सिटी में यानी तेलंगाना में कई ऐसे मुसलमान है जिन्होंने खुला ये कहा कि इस बार बकरी ईद में हम गाय नहीं काटेंगे, बैल नहीं काटेंगे, हम सिर्फ बकरे को काटेंगे। उनका बहुत अच्छा स्टेटमेंट आया, मैं उनको प्रणाम करता हूं जो इतना सुंदर उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अगर यही स्टेटमेंट को तेलंगाना का हर वो मुसलमान अगर फॉलो करता है तो उनका भी मैं मान सम्मान करता हूं। एक बार विचार विमर्श कीजिए, मिलके रहेंगे या लड़के रहेंगे, ये आपके ऊपर है। धन्यवाद, जय श्री राम।